वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तमिल थलाइवास वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स प्रो कबड्डी लीग मैच जो ही खेला जाएगा चेन्नई में। क्या हो सकती है स्टार्टिंग सेवन, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफ़ी सारे हैं हमारे नाम के और रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए आ रही हैं। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जैसी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई सब ठीक तो है ना, कि वीडियो जो है फेस कैम वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो मैं बता दूँ, अभी यार मैं 3-4 दिन के लिए जो है वो गोवा आया हुआ हूँ, दिसंबर का टाइम है, लेकिन कबड्डी की वीडियोज़ जो है मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से जो है शूट कर रहा हूँ, तो फेस कैम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है और इस टाइम भी कहीं बाहर पे हूँ जहाँ पे ये शूट कर रहा हूँ, तो अगर बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ अभी के लिए इग्नोर करना। मेन है कि वीडियो पे फोकस करना है और अच्छे से अच्छी ग्रैंड लीग्स की टीम बनानी है और विन करना है। बात कर लेते हैं पहले तमिल थलाइवास की। तो यहाँ पर जो है 5 में से 2 मैच जीती और 11वें पोजीशन पर है। राइट कॉर्नर पर जो खेलते हैं सागर राठी खेलते हैं, अच्छा प्लेयर है, 42-77-60-69-40 हर मैच में पॉइंट्स देता है, तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे साहिल गुलिया, लगभग हर मैच में पॉइंट्स दिए हैं, एक मैच में 103, एक में 162 भी दिए हैं, लास्ट मैच फ्लॉप रहे, 22 पॉइंट्स दिए, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आपको लगता है तमिल थलाइवास विन कर सकती है और साहिल गुलिया एक इंपॉर्टेंट चॉइस और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहेगी। एम अभिषेक है, राइट कवर्स पर कुछ खास करते नहीं है, तो ओनली फॉर ग्रैंड लीग सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग में अवॉइड करना है। बात करते हैं मोहित, मोहित की परफॉर्मेंस जो है बेकार रही है इस सीज़न, तो इनके जो कवर्स खिलाड़ी है ना वो नहीं चल रहे और इसी वजह से जो है टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है। तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अगर मल्टीपल टीम्स लगाते हो तो। हिमांशु है, लास्ट मैच खेले, 61 पॉइंट देकर आए, एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है, तो इनको आप ग्रैंड लीग में रख सकते हो। स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से ये भी रिस्की रहेंगे, बट स्टिल अगर रिस्क लेना चाहते हो इन सब में तो फिर भी हिमांशु पर लिया जा सकता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं अजिंक्य पवार, अजिंक्य पवार इंपॉर्टेंट रहते हैं इस टीम से क्योंकि लगभग हर मैच में जो है इन्होंने पॉइंट्स दिए, लगभग 50 का इनका एवरेज रहता है और जब चलते हैं तब बहुत पॉइंट्स देते हैं, जैसा इन्होंने पहले मैच में करके दिखाया था और 198 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे, तो ये एक आपके लिए एक अच्छी पिक बन जाती है स्मॉल लीग में। नरेंद्र कंडोला इस टीम के मेन रेडर हैं, लगभग हर मैच में पॉइंट्स दे रहे हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस बन जाती है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ इस टीम से, सागर हैं, साहिल गुलिया, अजिंक्य पवार और नरेंद्र कंडोला। इस मैच में होने वाला है 20,000 रुपये का फ्री गिव अवे विजन 11 ऐप पे, तो डेली फ्री गिव अवे हो रहे हैं, साथ के साथ लीडर बोर्ड भी चल रहा है कबड्डी में। सो अगर आपके पास विजन 11 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्च्यून रेफर कोड है FORTUNE, इसके थ्रू साइनअप कर लेना है। बात कर लेते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की। सो 6 में से 3 मैच जीती और 4थी पोजीशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है अंकुश राठी लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लगातार फॉर्म में आ चुके हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। लक्की शर्मा, ये प्लेयर ना सिलेक्शन कम है लेकिन ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकती है, पहले मैच में 47, दूसरे में 87 पॉइंट्स, और इसको आप ग्रैंड लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना क्योंकि सिलेक्शन कम है बट परफॉर्मेंस अच्छी है, राइट कॉर्नर पर खेलते हैं। सुनील है, कवर्स पे खेलते हैं, लगभग हर मैच में पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है अगर आप जयपुर के फेवर में टीम बनाना चाहते हो तो सुनील को स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। रेजा मीर बगेरी हैं, स्टार्टिंग जो है बेकार रही लेकिन पिछले 2 मैच में फॉर्म पकड़ी है, तो अगर आप आउट एंड आउट फेवर में बनाना चाहते हो टीम तो आप इन्हें रख सकते हो, अदरवाइज ग्रैंड लीग में। के अभिषेक, इनका भी लास्ट मैच अच्छा गया बट उससे पहले कुछ खास नहीं किया था, तो स्मॉल लीग में काफ़ी रिस्की रहेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। अर्जुन देसवाल लास्ट मैच में फॉर्म में आए, 140 पॉइंट्स देकर आए हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की स्मॉल लीग के लिए एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। फिर आएंगे वी अजित कुमार, इन्होंने भी थोड़ी फॉर्म पिछले कुछ मैचेस से पकड़ी है, तो यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं, तो एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है। अगर आप 5-2 का कॉम्बिनेशन चलाना चाहते हैं जयपुर के फेवर में तो आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो अंकुश हैं, सुनील कुमार हैं और अर्जुन देसवाल हैं। स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देसवाल को कर सकते हो, नरेंद्र कंडोला है, अंकुश हैं, साहिल गुलिया है। ग्रैंड लीग की बात करें, ग्रैंड लीग में लक्की शर्मा काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार और सागर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बात करते हैं विनर प्रिडिक्शन की, सो दोनों टीम्स अच्छी हैं लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जयपुर जिस तरीके की फॉर्म पिछले कुछ मैचेस में पकड़ रही है, मुझे लगता है आज जयपुर विन कर सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स। तो डिफेंस सेक्शन में काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर साहिल गुलिया को लिया है,
अंकुश को लिया है, मैंने सागर को लिया। अगर आप सागर की जगह चाहें तो रेजा मीर वगैरह को भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर लक्की शर्मा एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है, तो इनको आप रख सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन मैंने सुनील कुमार को लिया है। यहाँ पर जो है हिमांशु एक अच्छी पिक है, एम अभिषेक को भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, के अभिषेक सरप्राइज कर सकते हैं। सो अगर आप आउट एंड आउट फेवर में बनाना चाहते हो जयपुर की तो आप इन्हें रख सकते हैं। रेडिंग में यहाँ पर देसवार नरेंद्र कंडोला दोनों ही मस्त पिक हैं, तो मैंने इनको लिया है। अब फाइनल पिक है, फाइनल पिक में अब अजिंक्य पवार के लिए क्रेडिट नहीं बच रहे हैं, तो अगर आप चाहें इनको लेना तो फिर आपको एक जो है डिफेंडर को ड्रॉप करना होगा। वी अजित कुमार को ले सकते हैं, भवानी राजपूत कई बार जो है सबसे जो ठीक ठाक पॉइंट्स दे जाते हैं, तो इन्हें एक आधी टीम में ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लक्की शर्मा को लिया अपनी टीम में, ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी के अभी ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन मैंने देसवाल को किया है, वाइस कैप्टन मैंने नरेंद्र कंडोला को किया हुआ है। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की। सो टीम वन की बात करें तो ये हमारी टीम वन रहेगी तमिल थलाइवास के फेवर में, जिसमें हम नरेंद्र को कैप्टन किया है और साहिल गुलिया को वाइस कैप्टन किया हुआ है। टीम टू की अगर हम बात करें, सो टीम टू में हमने जो है अर्जुन देसवाल को कैप्टन किया है, अंकुश को वाइस कैप्टन किया हुआ है, ये रहेगी हमारी टीम टू जयपुर के फेवर में। टीम थ्री अगेन जयपुर के फेवर में, तो अर्जुन देसवाल को कैप्टन किया और लक्की शर्मा जिनका सिलेक्शन कुछ कुल 12% है उनको हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है। एक लास्ट कॉम्बिनेशन है जो मिला जुला कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें हमने नरेंद्र को कैप्टन किया और वाइस कैप्टन जो है अर्जुन देसवाल को किया हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइज़।